हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एजुकेशन का डिसिप्लिन, यानी कि डीएससी का यूनिट टू का चैप्टर नंबर 5। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप जाकर ज़रूर वीडियो देखना। और यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 4। यूनिट 1 में हमारे 3 चैप्टर थे, 1, 2 एंड 3। यूनिट 2 में हमारे चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 है। 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, 5 आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी एजुकेशन की डिसिप्लिन की जो बुक है उसका नाम है एक बहुल समाज में शिक्षा, यानी कि ये इसका जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 का क्या नाम है, भाषा और शिक्षात्री। जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है गाइस, उसका भी यही नाम है, भाषा और शिक्षात्री। तो हम पढ़ते हैं, प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा प्रणाली के तहत सुनिश्चित बनाने हेतु प्रयासरत रहते हैं, इसलिए भाषा का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है, या हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाषा शिक्षा के माध्यम से ही हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। भारत में संविधान में भाषाई प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान संघ के राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ की शासकीय परियोजनाओं के प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। संविधान का अनुच्छेद 343(1) प्रत्येक हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग में सरकारी कामकाज में किया जा सकता है, यानी कि जो हमारी लिपि है देवनागरी लिपि है, उसकी कौन सी राजभाषा है, हिंदी। हमारे भारत में कौन सी राजभाषा थी, हिंदी भाषा थी, और देवनागरी उसकी लिपि थी। अब आता है हमारा भारत संदर्भ में मातृभाषा, भारतीय संदर्भ में मातृभाषा। जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं, यानी कि जो वो पैदा होता है उसके बाद जो धीरे धीरे करके सीखता है तो उसको क्या बोलते हैं, मातृभाषा बोलते हैं। देखो आप गाइस, मात्र से ही आपको मातृभाषा का समझ आएगा, मातृ यानी कि माँ ने जो हमें सिखाया, मातृभाषा। मातृभाषा किसी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। गांधी जी देश की एकता के लिए आवश्यक मानते थे कि अंग्रेजी का प्रभुत्व शीर्ष समापन होना चाहिए। वह अंग्रेजी के प्रयोग से देश की एकता के तर्क को बेहुदा मानते थे, यानी कि वो चाहते थे कि अंग्रेजी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमारी मातृभाषा हिंदी बनी रहे। सच्ची बात तो यह थी कि भारत विभाजन का कार्य अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही देन है। मतलब जो हमारा भारत विभाजन हुआ था वो क्यों हुआ था, अंग्रेज़ों के थ्रू ही हुआ था। जो पढ़े लिखे अंग्रेज़ आए थे उनके थ्रू ही हुआ था। गांधी जी ने कहा था ये समस्या 1938 ईस्वी में हल हो जानी थी, अथवा 1947 ईस्वी में तो अवश्य ही हो जानी थी, मतलब कि ख़त्म हो जानी थी। गांधी जी ने न केवल माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा का मुखर विरोध किया, बल्कि राजभाषा के प्रश्न पर भी राष्ट्रीय एकता का अखंडन को प्रकट करने वाले विचार प्रकट किए। अब आता है हमारा भारत की 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना क्या थे वो देखिए। भारत की 2011 की जनगणना या 15वीं भारतीय जनगणना, उसको क्या बोलते हैं, 2011 की जनगणना को 15वीं भारतीय जनगणना। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि 15वीं भारतीय जनगणना के बारे में लिखिए, तो जो 2011 की जनगणना है वही सेम है, कंफ्यूज मत होना गाइस प्लीज़। दो चरणों में आयोजित की गई थी, ये कितने चरण थे इसके, दो चरण थे, मकान सूचीकरण और जनसंख्या गणना। हाउस लिस्टिंग चरण 1 अप्रैल 2010 को शुरू हुआ था। जो मकान सूचीकरण है कब शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को, और इसमें सभी भवनों के बारे में जानकारी का संग्रहण शामिल था। पहले चरण में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR के लिए जानकारी भी एकत्रित की गई थी, जिसका उपयोग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा सभी पंजीकृत भारतीय निवासियों को 12 अंकों के विशिष्ट पहचान जनसंख्या जारी करने के लिए किया जाएगा। दूसरी जनगणना चरण 9 और 28 फरवरी 2011 के बीच आयोजित किया गया था। भारत में जनगणना 1872 और 2011 के बाद से पहली बार बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की गई थी। 31 मार्च 2011 को जानकारी अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनगणना 17.70% की दशकीय वृद्धि के साथ बढ़कर 1.21 अरब हो गई। वयस्क साक्षरता दर 9.21% के दशकीय वृद्धि के साथ बढ़कर 74.04% हो गई। जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। इसका वाक्य क्या था, जनगणना के आदर्श का, हमारा जनगणना हमारा भविष्य है। अब आता है हमारा शिक्षण के माध्यम के रूप में मातृभाषा। भाषा शिक्षण का क्षेत्र अनुप्रयोगिक है,
इसमें विभिन्न विषयों के शिक्षण के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया होता है वह शिक्षा का माध्यम कहलाती है। शिक्षा माध्यम अपनी मातृभाषा भी हो सकती है और दूसरी भाषा भी, दोनों माध्यम में हो सकती है। इसलिए भाषा किसी न किसी उद्देश्य या प्रयोजन के संदर्भ में सीखी अथवा सिखाई जाती है, लेकिन मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का मुख्य उद्देश्य अपने समाज और देश के संप्रेषण प्रक्रिया को सुदृढ़, व्यापक और सशक्त बनाना होता है। वास्तविक मातृभाषा एक सामाजिक यथार्थ है जो व्यक्ति को अपनी भाषाई संदर्भ के अनेक सामाजिक संदर्भों से जोड़ती है और उसकी सामाजिक असीमता का निर्धारण करती है। इसी के आधार पर व्यक्ति अपने समाज और सामाजिक संस्कृति के साथ जुड़ा रहता है, यानी कि समाज के साथ भी और संस्कृति के साथ भी। दोनों भाषाएं सीखेगा तो समाज के साथ भी जुड़ा रहेगा और संस्कृति के साथ भी जुड़ा रहेगा, क्योंकि वह उसकी संस्कृति और संस्कारों की संवाहक होती है। ये पालने की भाषा होती है जिसके व्यक्ति का समाजीकरण होता है। इससे प्रयोगता की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान और बौद्धिक विकास के साथ साथ उसकी संवेदनाओं और अनुभूतियों की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति भी होती है। अब बच्चा अपनी भाषा में धारा प्रभाव बोलने से समर्थन और सक्षम होता है। अब आते हैं हमारा भारत में मातृभाषा शिक्षण। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है माँ से सीखी हुई भाषा, जैसे कि अभी ऊपर बताया था मैंने। मातृ का मतलब क्या है? माँ से सीखी हुई भाषा। बालक यदि माता पिता के अनुकरण से किसी विभाषा को सीखता है तो विभाषा ही उसकी मातृभाषा कही जाती है। रघुनाथ सफाला के शब्दों में मातृभाषा किसी वर्ग, समुदाय, सामाजिक प्रति को बोली जाने वाली भाषा और उसके सदस्यों की मातृभाषा है। बच्चा जन्म लेकर अपनी माता से उसी भाषा को ग्रहण करता है। आगे चलकर घर के भीतर और बाहर, मित्रों में, विद्यालयों में, निकटवर्ती समाजों में वह इसी भाषा का प्रयोग करता है। जो वो अपनी माँ से सीखता है, जो वो स्टार्टिंग में घर से सीखता आता है, वो उसी भाषा का प्रयोग करता है। विद्यालय में भी, अपने दोस्तों में भी, बाहर भी, सब वहीं पे, मतलब जो भी होती है वही भाषा बोलता है हर जगह वो। माता के समान मातृभाषा वंदनीय है। मातृभाषा की शिक्षा परम आवश्यक है। अधिकतर शिक्षा और ज्ञान मातृभाषा द्वारा ही सुलभ हो सकता है। अब आता है हमारा भाषाई अल्पसंख्यक। भाषाई अल्पसंख्यक लोगों का वह समूह है जिसकी मातृभाषा उस राज्य की मुख्य या प्रमुख भाषा से भिन्न हो। किसी भी समूह को भाषाई अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार राज्य को है। भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य उनके सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु देता है जो उस राज्य के संविधान द्वारा अपेक्षित होती है। अलग अलग देशों में भाषाएं अल्पसंख्यकों के आधार एवं सुरक्षा के लिए संस्था, इकाई, अधिकारी की व्यवस्था होती है। भारतीय संदर्भ, भारत में भाषाएं अल्पसंख्यकों के विकास के लिए संविधान द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान है, यानी कि जो अलग अलग अधिकारी होते हैं उन सब के लिए। जैसे कि भाषा, कहीं भाषा अलग बोली जाती है तो वहाँ के उसी भाषा के अधिकारी। अब आता है हमारा भाषा मानकीकरण सभी कार्यक्रम परियोजनाओं के लिए स्वीकार्य है। स्वीकार्य एक भाषा या भाषा किस्मों बनाने की प्रक्रिया है। ये भी एक भाषा या भाषा विविधता या एक भाषा के प्रयोग के विशेष प्रकार की स्थिति के संवर्धन के रूप में इस तरह से जाना जा सकता है कि उस प्रभावी ढंग से और कुशलता से आधुनिक समस्या के संचार प्रणालियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो राष्ट्र के लिए एक लाभ होगा या समाज होगा। भाषा मानकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से भाषा प्रणाली एक उच्च स्वीकार्य मानदंड बन जाता है और एक सजातीय इकाई के रूप में है। मानक भाषा एक भाषा है जो व्यापक संचार के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है और जो एक समाज के एक बड़े हिस्से को स्वीकार्य हो जाता है के रूप में जाना जाता है। अब आता है हमारा घर की भाषा और अभाषा। घर की भाषा एक अभाषा के रूप में कार्य कैसे करती है वो देखिए। विचारों ना हाव भाव व्यक्त करने की इच्छा ही उसके दूसरे लोगों के संपर्क में लाती है, यानी कि उसकी जो हाव भाव है, उनके विचार कैसे हैं, क्या नहीं है, दूसरे लोगों के संपर्क में इसी तरह आते हैं। भाषा के बिना हम दैनिक कार्य नहीं कर सकते। अगर हमारी कोई भाषा नहीं होगी तो हम रोज़मर्रा का कार्य भी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई लोग इंग्लिश बोलते हैं, अगर उनको इंग्लिश नहीं आएगी तो कार्य नहीं कर पाएंगे। कोई हिंदी बोलते हैं, हिंदी नहीं आएगी तो कार्य नहीं कर पाएंगे। उर्दू है, तमिल है, तेलुगु है, ये सब भाषा अगर नहीं आएंगी तो वो अपना डेली का काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मनुष्य के जीवन के लिए इसका महत्व बढ़ जाता है।
बच्चा समाज में ही भाषा सीखता है व प्रयोग करता है जिससे उसकी भाषा विकसित होती है। फॉर एग्जाम्पल जो जैसे कि जो घर की लैंग्वेज होती है, घर की लैंग्वेज से बच्चा थोड़ी थोड़ी भाषाएं सीखना शुरू कर देता है। उसके बाद बच्चे को अब प्ले स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो प्ले स्कूल में जाके बच्चों को और अच्छी लैंग्वेज सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे वो स्कूल में जाते हैं, स्कूल की लैंग्वेज सीखते हैं, तो ऐसे आगे मतलब चलता रहता है, ड्यूरेशन चलते ही रहता है। अब आता हमारा घाटे का मॉडल। विज्ञान की सार्वजनिक समझ के अध्ययन से सूचना की कमी का मॉडल या केवल घाटे का मॉडल या विज्ञान साक्षरता ज्ञान की कमी का मॉडल सार्वजनिक संदेह या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति शत्रुता को जानकारी की कमी के कारण समझ की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराता है। ये उन विशेषणियों के बीच विभाजन से जुड़ा है जिनके पास जानकारी है और गैर विशेषण जिनके पास नहीं है। मॉडल का तात्पर्य है कि संचार को जिनके पास जानकारी और गैर विशेषण जिनके पास नहीं है मॉडल का तात्पर्य है कि संचार को विशेषणियों से गैर विभाजन तक सूचना के हस्तांतरण के रूप में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विज्ञान संचार शोधकर्ताओं द्वारा मॉडल को बार बार चुनौती दी गई है। उदाहरण के लिए जलवायु संचार में भले ही आज दुनिया भर के अधिकांश लोग मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक आपातकाल है, जलवायु कार्रवाई अन्य कारकों जैसे राजनीतिक विरोध, भ्रष्टाचार और तेल कंपनियों के हित में बाधित हुई है। तो गाइस इसके साथ हमारा यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही। गाइस प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू।